गाइस, तो मैं आपके जितेंद्र जैक्सन इवाफराज हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, जैसे पता है मैं दो दिन से आके मथुरा वृंदावन में था, तो अभी मैं हूँ वृंदावन में बरसानी की गलियों में। तो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 6, हम लोग जा रहे हैं अभी इस्कॉन टेम्पल और प्रेम टेम्पल, क्योंकि डायरेक्ट नाइट का व्यू बहुत अच्छा होता है। तो गाइस, आज को आपको दिखाएंगे प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर का नाइट का व्यू, तो बने रहे हमारे साथ। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है, देखिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्राउड हो रही है हमारे लाइन में, और आधा घंटा हो चुका है लाइन में लगे लोगों को। देखिए अब 6:30 लाइन में लगे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं आज हमारे भगवान के दर्शन हमको होते हैं या नहीं। चलिए हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है। दर्शन हमें लगता है दर्शन भगवान ने हम दर्शन करा हो जाएंगे शायद, लगता तो ऐसा है, लेकिन भीड़ बहुत है अंदर। लेकिन देखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, राधे राधे, चलते हैं अंदर, देखते हैं हमें दर्शन होते हैं या नहीं, कितने अच्छे दर्शन होते हैं। लाइन लगी है तरीके से बहुत बड़ी। Oh,
देख पा रहे हैं आपने कितने अच्छे दर्शन हुए भगवान के। बहुत ही आनंद आ गया महाराज, बहुत ही आनंद आ गया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख पा रहे हैं कितनी मस्ती हो रही है, हर हम लोग मस्ती कर रहे हैं, भगवान की भक्ति मतलब भगवान की कृपा बढ़ रही है हम लोगों के ऊपर। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा प्रांगण हो रहा है, देखिए पूरे में भगवान के कानों में स्वर आ रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो कह रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, अभी मंदिर के बाहर निकल के प्रांगण में आ चुके हैं। तो यहाँ एक प्रथा है, प्रसिद्ध खिचड़ी बटती है, यहाँ पर शुद्ध देसी घी की खिचड़ी बटती है प्रसाद के रूप में, उसका हम सेवन करते हैं। देखते हैं आपको दिखाते हैं खिचड़ी किस प्रकार होती है, चलिए बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बने रहिए ब्लॉग में। यह है शुद्ध देसी घी का खिचड़ी, ये प्रसाद के रूप में हम रखती है, मैं खा रहा हूँ उसका सेवन कर रहा हूँ। अगर आपको भी खाना है तो आप बंदे में आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दर्शन लेने पड़ेंगे और खिचड़ी मिलेगी आपको। हम तो मैं खिचड़ी का प्रसाद खाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हमने खिचड़ी खा करके प्रसाद खा कर कर अभी हम निकल आए हैं इस्कॉन मंदिर से, अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की। इस्कॉन मंदिर प्रेम मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर ही है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन इस समय भीड़ बहुत है, थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो आनंद तो बहुत आ रहा है। अकेले में जो आनंद नहीं है, जो भीड़ में आनंद है, जो वाइफ आती है ना भीड़ में, वो मज़े अलग रहता है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं प्रेम मंदिर के, चलिए गाइस राधे राधे। फाइनली आ चुके हैं हम लोग प्रेम मंदिर, जागरा भीड़ है, लोग भारी होली खेल रहे हैं, मंदिर भारी होली चल रही है, बहुत भयंकर भयंकर वाली होली चल रही है भारी। देखते हैं अंदर पहुँच पाते हैं नहीं, चलते हैं देखिए रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो अंदर से बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर, बहुत ही सभी लोग होली के पावन अवसर पर बहुत अच्छे से होली खेल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ देखो जहाँ गुलाली गुलाल उड़ रहा है और अच्छी बारिश आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा तो और आ रहा है। आपको भी दिखा, चलिए आगे दिखाते हैं, बने रहिए। दर्शन हो गए, बहुत दर्शन बताओ भैया, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको मज़ा आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बने रहिए ब्लॉग में। रात दिन बाद घूमते घूमते भगवान के दर्शन करते हुए निकलने आ गए, बहुत थक गए थे, अभी प्रेम मंदिर के प्रांगण में बैठ चुके हैं हम। सोचा आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर दे, आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए अलविदा, मैं आप जितेंद्र जक्सन, जय हिंद जय भारत।